सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं चावल छरवाने के लिए आया हूँ और मेरा दोस्त जो है धान कुटाने के लिए आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग जो है मिल में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग अभी मिल में आ चुके हैं और इतना छोटा सा मिल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वाला मिल जो है, ये जो है पिसान पीसने वाला मिल है। और यहाँ पर आप देखो कि दोस्तों, एक बोरी धान, दो बोरी धान है यहाँ पर और एक बोरी चावल है जिसको हम लोग यहाँ पर छरवाने और कुटाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर दोस्तों बाहर का नज़ारा आप देखोगे तो अंदर में बहुत गर्मी लग रहा था, तो अभी बाहर में हवा खाने के लिए आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्वेस्टर के पीछे में एक तालाब है। तो यहाँ पर जो है पानी थोड़ा सा भरा है, यहाँ पर जो है सभी लोग नहाते हैं, गाँव के सभी लोग यहाँ पर नहाने आते हैं। बहुत ही अच्छा तालाब है। तो दोस्तों, अब चावल को डालने का समय आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मिल बहुत छोटा है इसलिए बहुत ही टाइम लग रहा है। और इस गोदाम में जो है गर्मी भी बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी लग रहा है, पसीने भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं दोस्तों। तो यार, काफ़ी टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है, बहुत ही लेट हो रहा है दोस्तों। तो यार, अगर आप गांव में रहते हो तो इतना हार्डवर्क तो करना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी काम करो लेकिन गांव में हार्डवर्क करना पड़ता है इसी तरीके से। और यहां पर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इससे ज़्यादा हार्डवर्क गांव के लोग और भी करते हैं जो बहुत काम करते हैं। तो यार, अगर आप इस तरीके का काम करते हो या फिर इससे ज़्यादा मेहनत करते हो तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरह से जो है काम करते हो, या फिर गाँव से हो या फिर शहर से हो, मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस, जब मेरे दोस्त की बारी आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं अब वो अपना धान डाल रहा है मिल में। और तो यार, वो दो बोरी धान लाया था, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अभी धान कुटाते कुटाते मशीन ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है धान कुटने वाला मिस्त्री, यानी कि इसका हेड, इसको अभी बना रहा है। और हमारे गाँव में छोटा सा इंजीनियर के नाम से जाने जाने वाला रूपेश चक्रधारी। तो दोस्तों, मशीन तैयार हो गया अपन के, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ना, ये वाला सीन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तालाब के किनारे है और इसी के पीछे में हम लोग जो है यहाँ पर धान की कुटाई कर रहे हैं, धान छरवा रहे हैं, चावल छरवा रहे हैं। तो यार, इस चैनल की वीडियो को देखते हो तो टेक्निकल चैनल का भी वीडियो देखा करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर विजिट करके आप टेक्निकल चैनल भी देख सकते हो, संजय टेक्निकल हिंदी सर्च भी कर सकते हो आप, और मेरे टेक्निकल वीडियोज़ को भी देख सकते हो, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज़ होता है। तो यार, आप देख सकते हैं बहुत पसीना पसीना हो गया है हम लोग। यहाँ पर अंदर में जो है बहुत ही गर्मी हो रहा है, बाहर में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं बाहर में बैठा हूँ अभी। तो दोस्तों, फाइनली काम कंप्लीट हो गया है, हम लोग धान वान कुटा लिए और जो है अभी मशीन बंद हो गया है। और दोस्तों, साथ ही मेरा टेक वीडियो भी अपलोड हो गया है टेक्निकल चैनल के लिए। और दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ में, तो लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि ये चैनल थोड़ा आगे बढ़े। भैया पूरा पसीना से निकल गया, पसीना वसीना बहुत निकल गया, बहुत गर्मी भी लग रहा था। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अच्छा, तो मैं यहाँ पर मुझे पैसे मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिला, पैसा बंटवारा कराते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय। तो फाइनली गाइस, हम लोग धान कुटवा चुके हैं और भूख लग रहा है, तो थोड़ा तो घर जाएंगे। सो गाइस, हम लोग धान यहाँ पे कुटा चुके हैं, हम देख सकते हैं वहाँ पे पूरा हमारा काम फिनिश हो गया है। सो कुटाते कुटाते हम लोग को भूख लग गई, इस कारण हम सोया स्टिक खा रहे हैं और इसके बाद घर जाएंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया।
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।